हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार ठाकुर आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टॉपिक में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। तो पहले समझते हैं एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास के जो भी सराउंडिंग एरिया है, लैंड, एयर, ठीक है, वाटर, उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। हमारे आसपास के वातावरण को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से देखते हैं कि एनवायरनमेंट का परिभाषा क्या दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट एमोंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्ट एक्सेट्रा। मतलब सभी चीज़ को मिलाकर ही एनवायरनमेंट का क्रिएशन हुआ है, ठीक है, उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब सेलियंट फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो नंबर वन पॉइंट है यहाँ पे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ लेजिस्लेशन। एक प्रकार का क्या है, लेजिस्लेशन है जो कि लॉ बनाते हैं एज अ प्रोटेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव सोशल इकोनॉमिक एनेक्टमेंट। फिर नंबर टू क्या कहा गया कि इट इज़ अ कंसिस्टिंग ऑफ टोटल 26 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर। इसमें टोटल 26 चैप्टर सेक्शन है जो कि 4 चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं। नंबर थर्ड वन देखते हैं कि द बेसिक एम इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड ब्रिंग ग्रेटर अवेयरनेस एमंग पीपल। मतलब एनवायरनमेंट को जितना हो सके ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें और पीपल के बीच में एक अवेयरनेस कैंप करें जिससे हम सभी पीपल को पता चले कि हाँ, हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। एनवायरनमेंट नहीं होने से क्या होगा, हमारे लिए एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, पर्यावरण क्यों जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया कि द एक गिव पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर नेसेसिटी डिसीजन एमंग द एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया कि वह एनवायरमेंट के लिए अपने हिसाब से भी लॉ बना सकती है कि उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और एनवायरमेंट को कैसे और इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर अंडर दिस एक्ट द एवेनमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन हैज़ बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर हम लोग एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, ठीक है, तो यह भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 के हिसाब से। अभी देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या बोलता है। ये बोलता है कि अगर एनवायरमेंट का पोल्यूशन जो कि हेजार्डस इंडस्ट्री के द्वारा अगर होता है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें तो आपका ये इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है फॉर ए टर्म और इनको फाइन भी देना पड़ सकता है या बहुत, दोनों भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।